नमस्कार आदाब श्री अकाल। मेरा नाम हैदर अब्बास और इस बार हम अपने YouTube चैनल एक और सच के माध्यम से आपके सामने एक और बड़ी खबर लेके आए हैं। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौर में किस तरह के हालात देश के होते चले जा रहे हैं। आज एक वाक्य ऐसा सामने आया जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और काफ़ी दर्दनाक हादसा ऐसा हुआ कि लखनऊ के हेरिटेज हॉस्पिटल में कुछ मरीजों के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, मरीजों की जान के साथ, जिसका एक मामला सामने आया कि जब मरीज को ले जाया गया तो वहाँ पे भर्ती किया गया, उसके बाद उनको कोरोना नहीं था, ना कोरोना की जांच कराई गई। जैसा कि पीड़ित परिवार की एक उनकी महिला ने एक मीडिया के सामने आकर एक इंटरव्यू में ये पूरी बात को बताया है। उस वीडियो को भी अभी हम आपको अपनी वीडियो के बाद उसी में ऐड करके आपको दिखाएंगे कि पीड़ित परिवार किस तरह के दुख से बीता और उनके घर के एक व्यक्ति की जान चली गई। अस्पताल वालों की ये इस तरह की हरकतें जिससे कि जनता आए रोज लगातार मर रही है। हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिसके पीछे सरकार ही जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि सरकार को इस तरह के हालात को देखते हुए पहले से ही हर तरह से अपने प्रदेश को मजबूत करना चाहिए था ऑक्सीजन, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से नाकामयाब दिख रही है। अभी आइए हम आपको दिखाते हैं कि पीड़ित परिवार क्या किस तरह का बयान दे रहा है, जिसमें कि उनके घर के व्यक्ति की जान गई और चौक कोतवाली में उनकी वाइफ ने दी तहरीर। देखिए, शीतल वर्मा है। आपके हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम थी और कहाँ पे एडमिट थे वो? मेरे हस्बैंड को 17-18 तारीख से हल्का फीवर और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, तो हम लोग उनको लखनऊ हेरिटेज हॉस्पिटल में लेके आए, तो उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन था, बाकी और कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। डॉक्टर को उनकी जाँच करनी चाहिए कोविड की, उन्होंने की नहीं, तत्काल उनको जाके कोविड वार्ड में डाल दिया, और जिसको डालने के बाद उन्होंने रेमडेसिविर वाली इंजेक्शन की डिमांड करी छे की, और शाम को उनके हाथ में एक रिपोर्ट भी थी जिसमें उसमें कोविड के कुछ सिम्टम्स नहीं थे, सिर्फ प्लेटलेट्स डाउन थी और हल्का फीवर था, जिस कारण डॉक्टर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा कि उनकी हालत बिगाड़ दी। उनके मुँह से खून आने लगा, उनका इतना इन्फेक्शन फैल गया कि वो खत्म हो गया 21 तारीख का। हमारी जिंदगी का पूरी करता दुड़ता हुआ इतना है, हम लोग की जिंदगी बर्बाद कर दी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। आप क्या चाहती हैं? हमें इंसाफ चाहिए। मैंने पुलिस थाने में देखी, अभी FIR की है, इसकी रिसीविंग कॉपी मेरे पास है। मैं सरकार से, पुलिस प्रशासन से सबसे गुजारिश कर रही हूँ कि हमें इंसाफ दिला दे, डॉक्टर को अरेस्ट करें, हॉस्पिटल सील करें। मेरा पति तो चला गया, और के बच्चे, पति, माँ का साया बना रहे, कम से कम ये दरखास्त करती हूँ आप लोग से। इसको घटना किस दिन की है? घटना किस दिन की है? 21 अप्रैल की घटना है। 19 को एडमिट कराया था हमने। और डॉक्टर क्या कहने लगे? डॉक्टर कभी कोई जवाब ही नहीं दिए। उनके हाथ में रिपोर्ट रहती थी, पूछते थे, हम लोग को भगा देते थे, डांट देते थे कि कोविड पेशेंट नहीं तो हमने क्यों एडमिट किया, तो हमने सर उनकी रिपोर्ट तो दिखा दीजिए, कभी उन्होंने रिपोर्ट दिखाई नहीं कि उनको कोविड नहीं है। गुमराह कर रखा हम लोग को, इतना मेंटली टॉर्चर किया, इंजेक्शन लाओ, सिलेंडर गैस के लाओ, क्या क्या चीज़ें बंदोबस्त के लिए बोली वो सारी की, उसके बावजूद भी डॉक्टर ने हम लोग को धोखे में रखा। और मेरे अच्छे खासे पति को कोई बीमारी नहीं थी, उनको जान से मार डाला। कम से कम कितना पैसा खर्चा कर चुके हैं अस्पताल में? 3.5 लाख रुपए हमारे खर्च हो चुके हैं। उनके गले में एक मोटी तोतेले की सोने की चेन और हाथ में हीरे की अंगूठी थी, उनकी डेड बॉडी में वो भी नहीं मिली। अरे हमें सब नहीं चाहिए, कम से कम इंसाफ तो मिले, ऐसे डॉक्टर को जेल में बंद कराया जाए, सरकार की अकान तक ये बात पहुँचे। कितने और मरीज थे उस समय? 12 पेशेंट थे, लेकिन जिस दिन मेरे हस्बैंड खत्म हुए उस दिन सुनने में आया कि काफ़ी लोग की डेथ हुई है, और ये सबको मतलब ऑक्सीजन सप्लाई देना ही बंद कर चुका था, जिनकी कंडीशन बिगड़ने लगी थी। पता नहीं किस किस को उसने इंजेक्शन देके इस तरह से मार डाला है। इंजेक्शन जो आपने खरीदा था मार्केट से, वो कितने प्राइस का मिला था आपको? मार्केट में 17,000 कहीं 16,000 इस तरह से रेट में हमने महंगे से महंगा लिया। ये डॉक्टर के पास आपको नहीं मिला था यहाँ पे एडमिट करा था? डॉक्टर तो चाहते थे कि हम ही से ले लो, हो सकता है उनका रेट 30,000 का हमने सुना था कि वो बहुत महंगा बेच रहे थे, या हो सकता है उनको फ्रस्ट्रेशन इसी बात की हो कि हमने इंजेक्शन उनसे लिया नहीं और उन्होंने इस तरह से गलत ट्रीटमेंट कर दिया। मतलब आपको ब्लैक कर रहे थे? बिल्कुल। ऑक्सीजन वगैरह उपलब्ध कराया था? नहीं, मैंने 2 सिलेंडर कराए, मगर उस समय मुझे लगता है मेरे हस्बैंड मर चुके थे, क्योंकि मैं उनको देखने गई थी, वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे थे और डॉक्टर मुझसे ऑक्सीजन सिलेंडर लिए जा रहा था। डॉक्टर आपसे ये भी कह रहा था कि ये बॉडी को मेरे नंदोई सचिन कटियार जी ने उनका एक वीडियो बना लिया जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर बॉडी चाहिए और तुमको ज़्यादा पेपर की डिमांड ना हो तो मैं उनको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर सकता हूँ, बॉडी सील कर दूंगा, कुछ पाओगे नहीं, और जाके ऐसे ही जला फूक दी जाएगी। वो वीडियो आपके पास है? बिल्कुल मौजूद है मेरे पास, वो वीडियो हमें लाइए। बिल्कुल, मैं उसकी वीडियो आपको सेंड कर दूंगी और CD बना के दे दूंगी।
चलो कार्रवाई होगी, चिंता मत करो आराम से।